नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में आज बिहार में 5 संसदीय सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मतदाताओं की स्थिति है कि मतदाता देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में मतदान को लेकर के काफ़ी सुस्त नजर आ रहे हैं। दरअसल दोपहर 1 बजे तक अगर आप मतदान के रिकॉर्ड को देखेंगे तो जो आंकड़े बताते हैं उसके अनुसार देश भर में 36.73% मतदान हुआ है, लेकिन इसके मुकाबले बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में मतदाता थोड़े से सुस्त पड़े हुए हैं और बिहार में केवल 34.62% ही मतदान दोपहर के 1 बजे तक हुए हैं। यानी कि राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बिहार में मतदान का प्रतिशत कम है और यह कम का सिलसिला सुबह से ही इसी तरीके से बरकरार है। और सबसे बड़ी बात है कि पांचवें चरण के चुनाव में जहां बिहार के 2 प्रमुख सियासतदानों यानी कि लालू यादव और रामविलास पासवान की संतानों की किस्मत इस बार ईवीएम में कैद होनी है, तो इसमें चाहे हाजीपुर हो या फिर सारण हो, दोनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में मतदान को लेकर के तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कम उत्साह दिख रहा है, जिसका नतीजा है कि दोनों जगहों पर मतदान प्रतिशत अन्य जगहों की तुलना में कम है। हम आपको बता देते हैं कि पहले मतदान जो आज सुबह से हो रहे हैं उसमें मधुबनी संसदीय सीट पर दोपहर 1 बजे तक 33.57% मतदान हुआ है, 37.80% मतदान हुआ है, जबकि सारण में दोपहर के 1 बजे तक केवल 33.67% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं अगर बात करें हाजीपुर से, जहां से चिराग पासवान चुनाव मैदान में है, तो यहाँ 33.10% मतदान हुआ है, और सीतामढ़ी में 35.01% मतदाताओं ने दोपहर के 1 बजे तक मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ऐसे में जहां हाजीपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है, वहीं मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा है, और यह सिलसिला न केवल दोपहर 1 बजे तक का बल्कि अगर आप सुबह से ही देखेंगे तो सुबह से ही करीब करीब यही स्थिति हाजीपुर में बनी हुई है, जहाँ अन्य चारों भी लोकसभा क्षेत्रों की तुलना में मतदाता सुबह से थोड़े से कम वोट डाल रहे हैं, और नतीजा है कि मतदान प्रतिशत जहां हाजीपुर में सबसे कम है, वहीं अन्य लोकसभा क्षेत्रों में हाजीपुर की तुलना में ज़्यादा मतदान प्रतिशत है। और इतना ही नहीं, ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे देश स्तर की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर दोपहर 1 बजे तक मतदान 36.73% को पार कर चुका है, और इसमें अगर हम बिहार के पड़ोसी राज्यों की भी बात करें तो 39% से ज़्यादा मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है, वहीं झारखंड में तो मतदान का प्रतिशत 41% को पार कर गया है, जबकि ओडिशा में 35% से ज़्यादा मतदाताओं ने दोपहर के 1 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। यही स्थिति करीब करीब देश के अन्य राज्यों की भी है, लेकिन इन सब की तुलना में बिहार मतदान में पिछड़ा हुआ है और दोपहर 1 बजे तक केवल 34.62% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान करीब करीब आधा जो समय है वह बीत चुका है, शाम के 6 बजे तक मतदान होने हैं, तो ऐसे में अगले कुछ घंटों के दौरान मतदान का प्रतिशत और कहां तक पहुंचता है और बिहार के मतदाता किस जोश खरोश के साथ आज ईवीएम में कितने प्रतिशत तक मतदान को पहुंचाते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।